नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका V4 विनोवेटिव में। अगर आप पति पत्नी हैं और आपके पास एक मुश्त रकम है तो उसे एक जगह इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने इनकम का बेहतर उपाय कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS इस काम में आपकी मदद कर सकती है। असल में पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा देता है, जहां एक मुश्त पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने तय रिटर्न के आधार पर इनकम पा सकते हैं। इस स्कीम के तहत सिंगल और जॉइंट दोनों अकाउंट खोले जा सकते हैं। ये उनके लिए बेहतर होता है जो मंथली आमदनी के लिए किसी अच्छे ऑप्शन की तलाश में है। स्कीम के तहत आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना होता है। स्कीम को हर साल 5 साल और अगले 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी कि यह स्कीम आपके लिए जीवन भर आमदनी का जरिया बन सकती है। इस स्कीम के तहत सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं, जबकि जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। इस जमा राशि पर वर्तमान में यानी कि करंट में 7.6% का सालाना ब्याज मिलता है। अब मान लेते हैं कि आपने एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया है और उसमें 9 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं। इस पर 7.6% की दर से 68,400 रुपए ब्याज बनता है। इसे 12 महीनों में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको हर महीने 5,700 रुपए मिलेंगे। अगर आप चाहें तो आपका कुल मूलधन 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड के बाद वापस मिल जाएगा। वहीं इसे आगे 5-5 साल के लिए आप और बढ़ा सकते हैं। हर 5 साल बाद ऑप्शन होगा कि आप अपना मूलधन वापस ले सकते हैं या फिर इस स्कीम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जब तक स्कीम चलेगी आपको हर महीने तय इनकम मिलेगी। वहीं मैच्योरिटी पर स्कीम बंद करने के बाद आपका कुल इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगा। स्कीम के तहत बैंक FD की तुलना में आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। अगर आप मंथली पैसा ना निकालें तो वह आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में रहेगा और मूलधन के साथ इस धन को भी जोड़कर आगे आपको ब्याज मिलता रहेगा। पोस्ट ऑफिस की इस मंथली स्कीम में अपने देश का कोई भी नागरिक अकाउंट खोल सकता है, चाहे वह एडल्ट हो या फिर माइनर। अपने बच्चे के नाम से भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक की ओर से अकाउंट खोला जा सकता है। बच्चे की उम्र 10 साल होने पर वो खुद भी अकाउंट के संचालन का अधिकार पा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। V4 इनोवेटिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।